આપણામાં પેલી કહેવત કે છે ને કે બહુ શાંત અને સમજદાર માણસ હોય તો એને વણિક કે વાણિયાભાઈ કહેવાય, એવા વાણિયાભાઈ છે. ત્યારે આપ સૌ ખૂબ દિલથી અને પ્રેમથી અમદાવાદ જિલ્લાની બધી બેઠકોને જીતાડો એવી મારી આપને નમ્ર વિનંતી છે. થોડું મોડું થયું છે, સમયનો અભાવ છે, હેલિકોપ્ટરને ઉપડીને અહીંયાથી સાવલી જવાનું છે, સાવલીથી ગાંધીનગર જવાનું છે. ત્યારે આપ સૌને નમસ્કાર કરીને વિરમું છું. ધન્યવાદ. જય હિન્દ. જય જય ગરીબ ગુજરાત. અખિલ ભારતીય કોંગ્રેસ સમિતિના મહામંત્રી, રાજસ્થાનના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આદરણીય ગેહલોત સાહેબ આપણને સંબોધન કરશે. અમારે પ્રિય નેતા રાહુલ ગાંધીજી, પ્રદેશ કોંગ્રેસ કે પ્રમુખ ભરતભાઈ સોલંકીજી, લાખવાણી પરમારજી, જિલ્લા અધ્યક્ષજી, તમામ ઉપસ્થિત આગેવાનો, ભાઈ અને બહેનો, નોજવાન સાથીઓ, અભી રાહુલજી આપકો સંદેશ દેંગે. બોલે તો ઇસ બાત કી ખુશી હૈ કે જો મેં આપને માહોલ દેખતા હું, કાર્યકર્તાઓ મેં, બુજુર્ગો મેં, નોજવાનો મેં, પૂરે ગુજરાત મેં જ્યાં ભી રાહુલ જી ગયે હૈ, ગુજરાતવાસીઓને જો પ્યાર દિયા હૈ, સ્નેહ દિયા હૈ, વિશ્વાસ પ્રગટ કિયા હૈ રાહુલ જી પર, આશીર્વાદ દિયે બુજુર્ગો ને, ઉસસે મેં ખુદ ભી ઓર મેરે તમામ સાથી બહુ અભિભૂત હૈ, બહુ ખુશ હૈ. મેં શબ્દો મેં આપકો કહે નહીં સકતા. યે પ્યાર આપકા બના રહે જિંદગી ભર તક. રાહુલ જી ભી કહેતે હૈ ગુજરાતવાસીઓ મેં દિલ જીત લિયા હૈ, જીતતા બન ગયા જિંદગી ભર કે લિયે. इसलिए मैं आपको आभार करना चाहूंगा. कृपा करके बाकी बातें राहुल जी कहेंगे. कृपा करके बदलाव की बहार चल रही है पूरे गुजरात के अंदर. आप लोग घर घर जाकर के, घर घर जाकर के, उम्मीदवार तो निमित मात्र होता है. राहुल गांधी जी की तरफ देख करके, भरतभाई सोलंकी जी की तरफ देख करके, जितने आपके नेता हैं उनकी तरफ देख करके आपको चाहिए आप सारे मतभेद भूल करके किसी भी कीमत पर ये सीट निकले. हमारी सरकार बनाने के लिए आवश्यक एक एक सीढ़ी जूट होती है. कृपा करके आप लोग इस बदलाव में भागीदार बने और इस बार 22 साल एक कुशासन गांध करें. झूठे वादे किए थे किसानों के साथ में, नौजवानों के साथ में, गरीबों के साथ में, दलितों के साथ में. उस तमाम वादे जुमले साबित हुए हैं, चुनावी जुमले साबित हुए हैं. उनकी पोल खुल चुकी है. इसलिए मैं आपका आह्वान करूंगा, कृपा करके आप लोग, कल का दिन है, कल 5 बजे प्रचार खत्म हो जाएगा, आप लोग कामयाब करने के लिए आगे आइए. बात करता हूं, अपनी बात समझ करता हूं. धन्यवाद. जय हिंद. आपसे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आभार लोक लाडीला देशना भावी राहुल जी. अशोक गहलोत जी, ભરત સિંહ સોલંકીજી, જીતુ પટવારીજી, દાઉદભાઈ પટેલજી, મનોજ ઠાકોરજી, રૂખસાના ગિલાનીજી, અમરસિંહ ઠાકોરજી, દયાભાઈ રાઠોડજી, જગદીશભાઈ મેનિયાજી, લાખાભાઈ લાખાભાઈજી, કોંગ્રેસ પાર્ટી કે હમારે સબ કાર્યકર્તા, નમસ્કાર. ભાઈઓ બહેનો, પ્રેસ કે હમારે મિત્રો, આપ સબકા યહાં દિલ સે સ્વાગત. જોશ તો આજ આપને બહોત હૈ. આજ સુબહ કોઈ પત્રકાર આયે, વો મુજે કહે રહે થે કલ શામ કો મીટિંગ મેં ગયે થે, દોનો મીટિંગ મેં ગયે થે. કહા થા કોંગ્રેસ પાર્ટી કી મીટિંગ મેં બહોત જબરદસ્ત જોશ હૈ, બીજેપી કી મીટિંગ મેં થોડા સા ઢીલાપન હૈ, ક્યોંકિ વો ઉનકે સામને એક મુશ્કિલ આ રહી હૈ. ઉનકે કાર્યકર્તાઓ કે સામને, નેતાઓ કે સામને, મોદીજી કે સામને ભી એક મુશ્કિલ સી આ રહી હૈ. 22 સાલ કી જો સચ્ચાઈ હૈ वो बाहर निकल रही है सब जगह से. शुरुआत की इन्होंने
मोदी जी ने, रूपानी जी ने, अमित शाह जी ने। भाइयों और बहनों, चुनाव होगा गुजरात का नर्मदा पे, नर्मदा के मुद्दे पे होगा। दो दिन नहीं लगे, गुजरात का किसान खड़ा होता है, कहता मोदी जी एक बात बताइए, नर्मदा का पानी हमें तो नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला, कि नर्मदा पे कैसे चुनाव हो जाएगा। नर्मदा का पानी तो आपने टाटा नैनो फैक्ट्री को पकड़ा दिया। चौके कहते हैं गाड़ी झटके से राइट टर्न की, कहते भैया छोड़ो नर्मदा को भूल जाओ। कैसे करते हैं पिछड़ों के मामले पे, ओबीसी पे हम चुनाव लड़ेंगे, ओबीसी के मामले पे, ओबीसी के मामले पे भैया, ओबीसी के मामले पे चुनाव लड़ेंगे। पूरा पिछड़ा समाज खड़ा होता है, कहता भैया आप क्या बात कर रहे हो, 22 साल से आपने हमारा कुछ नहीं किया, कैसे होगा ओबीसी मुद्दे पे चुनाव। बीजेपी की गाड़ी ने झटके से राइट टर्न फिर से लिया, कहते हो ठीक है छोड़ो 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 छोड़ो, ओबीसी को भी भूल जाओ। अब हम ऐसे करते हैं विकास की एक यात्रा निकालते हैं, विकास की यात्रा निकालेंगे और विकास पे, मोदी जी ने कहा भाषण में, विकास पे हमारा चुनाव होगा। दो दिन में पता लग गया भैया, जैसे सिनेमा हॉल में पिक्चर फ्लॉप होती है ना, धड़ाम से यात्रा फ्लॉप हो गई सामने। कहते हैं अब क्या करें। अंत में दो तीन दिन पहले मैंने मोदी जी का भाषण सुना, देखो अफगानिस्तान के बाद, चाइना के बाद, पाकिस्तान के बाद, जापान के बाद, मगर गुजरात के बीते हुए 22 साल की और गुजरात के भविष्य की कोई बात नहीं है। भाषण में मोदी जी पूरे देश में कहते हैं कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई, और फिर गुजरात के भाषण में 50% टाइम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। अरे भैया एक बात समझा दो, अगर कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई तो भाषण में बात क्यों कर रहे हो कांग्रेस पार्टी के बारे में, 50% कांग्रेस पार्टी के बारे में। और पहली बार मैंने देखा है 50% मोदी जी के बारे में बात करते हैं। ये चुनाव ना नरेंद्र मोदी जी के बारे में है, ना मेरे बारे में है, ना कांग्रेस पार्टी के बारे में है, ना बीजेपी के बारे में है। ये चुनाव गुजरात की जनता के भविष्य के बारे में है। मोदी जी मैं समझता हूं कि आप 22 साल की बात नहीं कर सकते, मगर थोड़ा सा समय गुजरात के भविष्य के बारे में भी बोल दीजिए, ज्यादा नहीं 2-3 शब्द, कि आप लोग करने क्या जा रहे हो। 22 साल की सफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं गुजरात को, कांग्रेस पार्टी के नेता बता रहे हैं गुजरात को कि 22 साल बीजेपी ने क्या किया। मनरेगा में कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में 35,000 करोड़ रुपए डाला था, 35,000 करोड़ रुपए से पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को हमने रोजगार दिया, लाखों लोगों की जिंदगी बदल गई, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में तेजी आई। ये वो भी मानते हैं, दुनिया में सब इकोनॉमिस्ट मानते हैं, जितना पैसा हमने मनरेगा में डाला उन्होंने टाटा नैनो फैक्ट्री में डाला, एक प्रदेश में एक फैक्ट्री में 33,000 करोड़ रुपए, एक फैक्ट्री को नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं पकड़ा दिया, हजारों एकड़ आपकी जमीन छीन के उनको दी। पिछले
22 साल में 6.5 लाख एकड़ जमीन मोदी जी ने अपने 10-12 उद्योगपति मित्रों को दी। नर्मदा का पानी आपको नहीं मिलता, किसान को नहीं मिलता, टाटा नैनो फैक्ट्री में जरूर जाता है। आपको रात को बिजली मिलती है, टाटा नैनो फैक्ट्री में 24 घंटे बिजली। अब मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, 33,000 करोड़ रुपए वाली गाड़ी, आप गुजरात की सड़कों में घूमते हो, 33,000 करोड़ रुपए वाली नैनो आपने गुजरात की सड़कों पे देखी है, हां या ना? दूसरी तरफ बंद हो गई। आज टाटा नैनो की फैक्ट्री में 2 गाड़ी बनती है दिन में, और टाटा नैनो की प्रोडक्शन लाइन को बंद करने जा रहा है। दूसरी तरफ अदानी जी को 45,000 हेक्टेयर जमीन, 45,000 हेक्टेयर जमीन 1 रुपये प्रति मीटर रेट पे। आप पूरे हिंदुस्तान में घूम लो, 1 रुपये प्रति मीटर आपको पूरे हिंदुस्तान में जमीन नहीं मिल सकती। गुजरात के किसान से जमीन छीनते हैं, उसको सही कॉम्पेंसेशन नहीं देते, और उद्योगपति को 1 रुपये के लिए पकड़ा देते। और फिर सुनिए, उसके बाद 3 महीने के अंदर अदानी जी ने उसी जमीन को सरकारी कंपनी को 3,000 रुपये प्रति मीटर के लिए बेची। टाटा नैनो फैक्ट्री में 1 लोकल आदमी को रोजगार नहीं मिला। इस प्रकार से 22 साल से काम हो रहा है। आप लोगों के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, आप बीमार होते हो, हजारों लाखों रुपए आपके जेब से निकलते हैं कि भैया MRI कराना है दो, 1,000 रुपए दो, एक्सरे कराना है दो और 1,000 रुपए दो, और ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो गरीब आदमी के सामने 2 ही रास्ते हैं, 1,00,000 रुपए का कर्जा लो और बर्बाद हो जाओ, या दूसरा मर जाओ। गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। 90% कॉलेजेस गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने प्राइवेटाइज करा दिए, अपने 10-15-20 मित्रों को दे दिए। आप में से कोई भी बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, तो पहले जेब में से 10-15 लाख रुपए निकाल के दिखाओ। अगर आपके पास नहीं है तो भूल जाओ, नहीं हो सकता। जो पैसा सरकारी कॉलेजेस में जाना था, जो पैसा सरकारी अस्पतालों में जाना था, वो पैसा 10-15 उद्योगपतियों को पकड़ा दिया, कॉलेज का सिस्टम भी दे दिया, अस्पताल भी प्राइवेटाइज कर दिए, और फिर कहते हैं 22 साल बहुत विकास हुआ। आपने कुछ ज्यादा नहीं मांगा, खुशी से आपने जमीन दी, बिजली दी, पानी दिया, आपने सिर्फ 2-3 चीजें मांगी थी, हमें रोजगार दो, बिजली और पानी दो, कॉलेज में, स्कूल में अध्यापक हो, हमारे बच्चे पढ़ाई कर पाए, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बन पाए, और जब हम बीमार होते हैं तो हमारी थोड़ी सी मदद कर दो। मगर नहीं, 33,000 करोड़ रुपए एक उद्योगपति को जा सकता है। गुजरात का किसान हाथ जोड़कर अरुण जेटली जी, मोदी जी से कहता है, भैया आपने पिछले साल 1,30,000 करोड़ रुपए 10 उद्योगपति ने माफ किए, विजय माल्या लंदन में बैठा है, 9,000 करोड़ रुपए का उस पर कर्जा है, आप हमारे 10-15,000 रुपए माफ कर दीजिए। अरुण जेटली जी, मोदी जी कहते हैं, देखिए आप किसान हैं, किसान का कर्जा माफ करना
हमारी पॉलिसी नहीं है। कर्जा माफ कराना है तो या तो आप प्राइवेट हवाई जहाज में आओ या मर्सिडीज में बैठ के आओ या 15 लाख रुपए का सूट पहनो, तभी होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। जाओ, मैं आपको यहां बता देता हूं, मोदी जी ने आपसे सही दाम देने का वायदा किया था, आपकी मदद करने का वायदा किया था, नहीं किया। मैं आपको यहां स्टेज से बता देता हूं, सीधा साफ बता देता हूं, और गुजरात के सब किसान सुन लो, आपको 10 तक गिनती करनी होगी। आप 10 दिन गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ करने वाली पॉलिसी तैयार हो जाएगी। और दूसरी बात, मैनिफेस्टो में हमने लिखा है, आपको सिर्फ सही दाम नहीं मिलेगा कपास के लिए, मूंगफली के लिए सही दाम नहीं मिलेगा, आपको सीजन से पहले हम बता देंगे कि देखिए कांग्रेस पार्टी की गारंटी है इस बार आपको ये दाम मिलने वाला है, कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, सुन लीजिए। सरकारी अस्पताल में आपको डॉक्टर दिखने शुरू हो जाएंगे, और जो गहलोत जी ने राजस्थान में किया, मुफ्त में सरकारी अस्पतालों की फार्मेसी में दवाई दिलवाई, आपको एक कार्ड मिलेगा, सरदार पटेल जी का नाम होगा उस पर, उस कार्ड को आप ले जाना, किसी भी सरकारी अस्पताल के फार्मेसी में दिखा देना, कहना भैया कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मुफ्त में आपको दवाई मिलेगी। सरकार का काम जनता की रक्षा करने का होता है, सरकार का काम 5-10 उद्योगपतियों की रक्षा करने का काम नहीं होता है। और आने वाले समय में 5-10 दिन में उद्योगपतियों की सरकार गुजरात से हिलने वाली है, हटने वाली है, जाने वाली है। और यहां पे जय, और यहां पे भैया मैं जानता हूं कि 22 साल के बाद आप बहुत खुश हो, आप में बहुत जोश है, ये जोश सिर्फ आप में नहीं है, ये जोश सिर्फ कांग्रेस पार्टी के वर्कर में नहीं है, ये जोश गुजरात के किसान में, गुजरात के युवा में, गुजरात के हर माता बहन में है। और अगर आप एक दो बार चिल्लाना चाहते हो चिल्ला लो, शाबाश, जय भारत माता की जय। अब देखिए, पहली बार मैंने देखा है प्रदेश में सारे के सारे समाज गुस्सा है। आमतौर से एक समाज गुस्सा होता है, गुजरात में पाटीदार समाज गुस्सा, पिछड़ा समाज आंदोलन कर रहा है, दलित समाज आंदोलन कर रहा है, किसान रो रहा है, आशाएं आंगनवाड़ी की महिलाएं रो रही हैं। गुजरात में सिर्फ 10-15 लोग खुश हैं, एक तो इनके उद्योगपति दोस्त, और दूसरे अमित शाह जी क्यों खुश है मैं बताता हूं। मोदी जी ने आपको जय शाह दादा कहा गया, मोदी जी ने आप सबको लाइन में लगाया, कहा भाई और बहनों 15 लाख का सूट नहीं है, आप सब लाइन में खड़े हो, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है, आप सब खड़े हुए, आपने कहा ठीक है, कहा है तो अच्छा नहीं लग रहा है मगर खड़े हो जाएंगे, और पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने खड़ा हो गया, मैं भी जाके खड़ा हो गया। एक सूट बूट वाला लाइन में नहीं था, अदानी जी लाइन में नहीं थे, सूट बूट वाले काले धन वाले बैंक के पिछले दरवाजे से अंदर आए, एसी कमरे में बैठे,
2000 रुपए वाले गुलाबी नोट उनको मिले और हिंदुस्तान के काले धन वालों ने अपना सबका सब काला धन सफेद कर लिया। वहां नहीं रुके, मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए और बैंक अकाउंट में आएंगे। मैं आपसे पूछता हूं भैया, 15 लाख छोड़ो, 15 पैसा आया? नॉट ए सिंगल। फिर कहते हैं भाई और बहनों देखो, महिलाओं ने पैसा बचा के रखा था, आधा तो हाथ पड़ गया, अब आधा और बचा है तो अब मैं पूरे हिंदुस्तान को शोले पिक्चर दिखाना चाहता हूं। भाई और बहनों, पेश करता हूं गब्बर सिंह। और 12 बजे रात को जैसे गब्बर सिंह आता था घोड़े पे, वैसे गब्बर सिंह टैक्स लागू कर दिया। कल चाय की दुकान में मैं रुका, मालिक से बात हुई, कहता है मुझे, राहुल जी आप अपने भाषण में बोलना कि मोदी जी को सुनाई दे, गब्बर सिंह टैक्स से पहले अगर मुझे 100 रुपए मिलते थे, गब्बर सिंह टैक्स के बाद मुझे 50 मिलते हैं, 50 रुपए आधा मेरा पैसा गब्बर सिंह उठा के ले गया। और सिर्फ मेरा नहीं, उसने कहा सिर्फ मेरा नहीं, गुजरात के सब व्यापारियों का, सब दुकानदारों का, किसानों का, छोटे बिजनेसमैन का, मिडिल साइज बिजनेसमैन का, सूरत में सबके सब बिजनेस बर्बाद कर दिए। आप अपने भाषण में कहिए कि मोदी जी को सुनाई दे कि उन्होंने नोटबंदी से और गब्बर सिंह टैक्स के साथ क्या किया है, क्या चोट मारी है गुजरात को। आंधी आती है, गब्बर सिंह टैक्स, नोटबंदी और अमित शाह जी के पुत्र की कंपनी को कोई नुकसान नहीं होता। खुशी से 3 महीने में 50,000 रुपया 80 करोड़ में बदल जाता है। बहुत खुश है अमित शाह जी। गुजरात रो रहा है, गुजरात के दुकानदार रो रहे हैं, व्यापारी रो रहे हैं, मगर एक बिजनेसमैन है हिंदुस्तान में, सिर्फ एक है भैया, अदानी जी भी ये काम नहीं कर पाए। 50,000 रुपए को 3 महीने में 80 करोड़ में बदल दिया। और देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे मैं चौकीदार हूं, मुझे आपने चौकीदार बनाया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो कहते हैं अब कहते हैं ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा। कुछ बचा नहीं है मोदी जी के पास, बोल नहीं सकते, भाषण नहीं दे सकते, गुजरात के अस्पतालों के बारे में नहीं बोल सकते, गुजरात की शिक्षा के बारे में नहीं बोल सकते। रोजगार का वायदा किया था, 30 लाख बेरोजगार युवा गुजरात में है, कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा साल में, चाइना की सरकार 50,000 को 24 घंटे में देती है। हमने मोदी जी से पार्लियामेंट हाउस में पूछा, उनके मंत्री से पूछा, भैया बताओ कितने युवाओं को मेक इन इंडिया से रोजगार मिला, स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंडअप इंडिया किया, कितनों को आपने रोजगार दिया? उनके मंत्री कहते हैं खड़े हो पार्लियामेंट हाउस में, 8 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है, 24 घंटे में हिंदुस्तान की सरकार सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार दे सकती है। जो काम चाइना 2 दिन में करता है उस काम को नरेंद्र मोदी जी की सरकार 1 साल में नहीं कर सकती। ये
सच्चाई है। इसलिए अपने भाषण में मोदी जी ना रोजगार की बात करेंगे, ना विकास की, ना किसानों की, ना अस्पतालों की, ना शिक्षा की, ना भ्रष्टाचार की। सच्चाई ने नरेंद्र मोदी जी को घेर लिया है और अब यहां कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और कांग्रेस पार्टी जो आपका पैसा है, जिसको अस्पताल में जाना चाहिए, कॉलेजेस में जाना चाहिए, किसानों के हाथ में जाना चाहिए, युवाओं को मिलना चाहिए, छोटे दुकानदारों को मिलना चाहिए, वो पैसा हम आपको लुटाने का काम करेंगे, हम आपको वापस देने का काम करेंगे। आपने 3 महीने में मुझे इतना प्यार दिया है, जहां भी मैं गया, जहां भी मैं गया आपने प्यार दिया, दिल से प्यार दिया। आपने मेरे साथ रिश्ता बना लिया है, जिंदगी भर का रिश्ता बना लिया है। और मैं इसको बोलने वाला नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जहां भी मैं हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, चाहे गुजरात में हूं, हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में हूं, आपको सिर्फ मुझे बुलाना है, कहना है राहुल ये करवाओ, ये मदद करो, जो भी आपके दिल में है अगर आपने मुझे बोला, मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा उसको करवाने के लिए। और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा जो आपने पिछले 3 महीने मुझे प्यार दिखाया है। मेरे पास कुछ ज्यादा नहीं है, देखिए मोदी जी के पास सरकार है, गुजरात की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस, यूपी की सरकार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, सब सरकारें उनके पास, उद्योगपतियों का पैसा उनके पास। आपको दिखेगा चुनाव में, दिखेगा, खूब दिखेगा, टीवी देखोगे सिर्फ मोदी जी दिखाई देंगे, इश्तेहार अखबारों में सिर्फ मोदी जी, मोदी जी, बीजेपी हम नहीं दिखेंगे, हमारे पास पैसा नहीं, मगर हमारे पास सच्चाई है, गुजरात की सच्चाई, पिछले 22 सालों की सच्चाई। और ये चुनाव, हिंदुस्तान बड़ी अजीब सी जगह है, लंबी लंबी बातें होती हैं, मगर अंत में ये देश सच्चाई का देश है। और इस देश में हजारों साल से सच्चाई की जीत होती रही, और यहां चुनाव में भी सच्चाई की जीत होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली है और उद्योगपतियों की सरकार जाने वाली है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।